पिछले एपिसोड में आपने देखा कि बेरेक टाउन में रहने वाली एना नाम की एक लड़की पिछले कुछ महीनों से बहुत अजीब बर्ताव कर रही थी। उसके पेरेंट्स भी उसके इस बिहेवियर की वजह को समझ नहीं पा रहे थे। वो अपना सारा वक्त अपने कमरे में ही अपनी क्लाउन डॉल के साथ बिताती थी। दूसरी तरफ रॉबिन नाम के एक लड़के का घर आते वक्त एक भयानक क्लाउन से सामना हुआ, जिसके बाद वो गुमशुदा हो गया। रॉबिन को ढूंढने के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, जिसके चलते उन्हें रॉबिन की लाश एक पेड़ से लटकी मिली और उसके चेहरे पर किसी ने क्लाउन जैसा मेकअप किया हुआ था। उधर आना के बगल में अब क्लाउन डॉल नहीं थी, बल्कि एक क्लाउन खुद था। अब आगे 15 साल के रॉबिन का इतनी बेरहमी से मर्डर हुआ था कि पूरा बेरेक टाउन बस उसी की बात कर रहा था। हर न्यूज चैनल पर बस रॉबिन की ही डेथ की न्यूज चल रही थी। कल रात हुए मर्डर से पूरा बेरेक टाउन शॉक में है। किसी ने एक 15 साल के लड़के को आधी रात में बेरहमी से मारकर एक पेड़ से लटका दिया। उस लड़के के चेहरे पर एक क्लाउन जैसा मेकअप भी पाया गया। आइए जानते हैं सीनियर ऑफिसर जेराल्ड से कि वो अब क्या एक्शन लेंगे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसने भी ये किया है वो जल्दी ही पकड़ा जाएगा। जॉनी भी टीवी पर न्यूज देख रहा था। जॉनी रॉबिन का दोस्त और क्लासमेट था। पिछली शाम मरने से पहले रॉबिन जॉनी के घर पर ही हैंगआउट कर रहा था। जॉनी भी रॉबिन की डेथ से घबराया पड़ा था। उसकी मॉम उसकी घबराहट को देखकर उसके पास आई और टीवी का चैनल चेंज कर दिया। बेटा, ये सब न्यूज देखना बंद कर, हम जरा रॉबिन के पेरेंट्स से मिलकर आ रहे हैं, तू बिल्कुल भी बाहर मत जाना, ओके? जॉनी के पेरेंट्स रॉबिन के घर के लिए निकल गए और जॉनी फिर से टीवी पर न्यूज लगाकर बैठ गया। लेकिन कुछ ही देर में टीवी के सारे सिग्नल चले गए, घर की लाइट्स भी अचानक ऑफ हो गईं, टीवी भी बंद हो गया। लेकिन अचानक टीवी दोबारा ऑन हुआ। टीवी की स्क्रीन पर जॉनी को जो दिखा उसे देखकर वो सुन पड़ गया। दोस्तों, अच्छी एनिमेशन में बहुत मेहनत लगती है, और अगर आपको हमारी सीरीज द क्लाउन की एनिमेशन और स्टोरी पसंद आ रही है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और क्लाउन के लेटेस्ट एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस के लिए घंटी बजाना मत भूलना। घर की लाइट्स भी अचानक ऑफ हो गईं, टीवी भी बंद हो गया। लेकिन अचानक टीवी दोबारा ऑन हुआ। टीवी की स्क्रीन पर जॉनी को जो दिखा उसे देखकर वो सुन पड़ गया। टीवी की स्क्रीन पर वही भयानक क्लाउन था। हेलो, सरप्राइज सरप्राइज। टीवी पर उस क्लाउन के हंसते ही घर की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगी। जॉनी सुन्न होकर टीवी स्क्रीन पर उस खौफनाक क्लाउन को देखे ही जा रहा था कि अचानक वो क्लाउन टीवी के बाहर आ गया। Twinkle, twinkle, little star. एना का घर अब भी सजा हुआ था। पिछले कुछ दिनों की तरह एना आज भी बड़ी मुश्किल से स्कूल गई थी। पर एना की मॉम मेगन काफी घबराई हुई थी, क्योंकि शाम के 6 बज चुके थे और एना अब तक स्कूल से वापस नहीं आई थी। स्कूल 3 बजे खत्म हो जाता था और एना को अब तक हर हाल में घर आ जाना चाहिए था। मेगन ने आस पड़ोस में पता किया तो सभी बच्चे स्कूल से वापस अपने अपने घर आ चुके थे। जो कुछ भी बेरेक टाउन में चल रहा था उससे मेगन वैसे ही बहुत डरी हुई थी। उसने स्टीव को फोन मिलाया और उसे सब कुछ बताया। स्टीव भी मेगन की बात सुनकर बहुत घबरा गया था। वो फौरन ही एना को ढूंढने के लिए ऑफिस से निकल गया। वहीं दूसरी ओर जब जॉनी के पेरेंट्स घर वापस आए तो उनकी जान ही निकल गई। जॉनी घर के हॉल की सीलिंग से नीचे लटका हुआ था। उसके गले में कई सारे गुब्बारे बंधे थे और उसके चेहरे पर भी ठीक वैसा ही जोकर वाला मेकअप था
जैसा रॉबिन के चेहरे पर था। बेरिक टाउन में एक और मर्डर हो चुका था। जॉनी भी अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था, लेकिन बेरिक टाउन की पुलिस के हाथों अब तक एक भी सुराग नहीं लगा था। डिपार्टमेंट के सबसे होनहार ऑफिसर जेराल्ड को अभी कुछ महीनों पहले ही बेरिक टाउन में ट्रांसफर किया गया था। जेराल्ड ने कई हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्रीज को सॉल्व किया था, लेकिन यह जेराल्ड का पहला केस था जहां उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मर्डर्स हो कैसे रहे हैं। मर्डर्स लोकेशन पर किसी के कोई फिंगरप्रिंट्स भी नहीं थे, एविडेंस के नाम पर भी थे तो बस कुछ अतरंगी से दिखने वाले गुब्बारे जिन पर अजीब से चेहरे बने थे। खैर, जेराल्ड को जो सवाल सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था वो था उन बच्चों के चेहरे पर एक क्लाउन का मेकअप। जेराल्ड ने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम को शहर में जितने भी क्लाउन या सर्कस वाले थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा। उधर किसी के पास भी एना के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल रही थी। स्टीव और मेगन डरे सहमे से पूरे बेरिक टाउन में एना को ढूंढ रहे थे। तभी स्टीव का फोन बजा और उसके फ्रेंड पीटर ने उसे बताया कि एना को किसी ने बेरिक टाउन ग्रेवयार्ड जाते देखा था। स्टीव और मेगन तुरंत बेरिक टाउन ग्रेवयार्ड पहुंचे। उन्होंने देखा कि एना की बाइसिकल उस ग्रेवयार्ड के बाहर ही पड़ी है। वो फौरन अंदर गए। एना उस ग्रेवयार्ड के अंदर बैठी रो रही थी। उसके मुंह पर लाल पेंट से एक लंबी सी लाल लाइन पेंटेड थी, जैसे किसी क्लाउन की स्माइल बनी हो। उसकी आंखों के पास काला पेंट था जो एना के आंसुओं से अब भी गीला था। मेगन ने घबराई हुई एना को देखते ही कस के गले लगा लिया। एना के पेरेंट्स उसे वापस घर ले जाने लगे। ग्रेवयार्ड से निकलते हुए एना ने जब एक नजर पीछे घुमाई तो उसे ग्रेवयार्ड के अंदर वही क्लाउन दिखा जो एक रात पहले उसके कमरे में उसके साथ नाच रहा था। उसने एना को मुस्कुराते हुए अपने हाथ के इशारे से बाय कहा। एना ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और बस उस क्लाउन को देखती रही। तभी अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई और बिजली कड़कने लगी। उस बिजली की कड़क में असाधारण सा दिखने वाला क्लाउन अचानक से वही खौफनाक क्लाउन बन गया जो रॉबिन और जॉनी को उनके मरने से पहले दिखा था। चीजें अब और भी ज्यादा पेचीदा होती जा रही थी। तभी ऑफिसर जेराल्ड को इस केस से जुड़ा अपना पहला ब्रेक थ्रू मिला। ऑफिसर जेराल्ड के केबिन में उसका एक टीम मेंबर आया और उससे बोला, एक क्लाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिली है, आई थिंक यू शुड सी इट। क्या मिला है ऐसा पुलिस को? क्या पता चल गया है उन्हें कि कौन है वो क्लाउन? क्या वो क्लाउन ही लोगों के मर्डर्स कर रहा है या इसके पीछे कोई और ही राज छुपा है? और एना का इन सब में क्या रोल है? उसके साथ उस ग्रेवयार्ड में क्या हुआ? क्या एना का डॉल वाला क्लाउन और वो भयानक क्लाउन एक ही हैं? ये सब जानने के लिए सब्सक्राइब टू एंड चेक आउट द क्लाउन का तीसरा एपिसोड। और गाइज, अगर ये एपिसोड पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, सब लोगों से शेयर करो और कमेंट्स में हमें बताओ कि आपको इस एपिसोड में सबसे अच्छी चीज क्या लगी।